नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं का अध्याय 13 सीमा और अवकलज आरंभ करेंगे। कलन गणित की वह शाखा है जिसके अंदर प्रमुखतः हम प्रांत के बिंदुओं में परिवर्तन से फलन के मानों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। आज हम इसी शाखा में सीमाओं का अध्ययन देखेंगे जो कि अवकलज को ज्ञात करने के अंदर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो आज हम इस सत्र के अंदर सीमाएं देखेंगे जिसमें बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और सीमाओं का बीजगणित के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि एफ फलन एक एक्स बराबर ए युक्त अंतराल पर परिभाषित है, इसके अंदर जिसमें संभवतः एक्स बराबर ए को छोड़कर यानी इस बिंदु पर हमारा फलन परिभाषित हो भी सकता है और नहीं भी। तब अनौपचारिक रूप में वास्तविक संख्या एल ही सीमा है। जैसे कि कैसे, जो एफ एक्स है वह एल के निकट है यदि एक्स को ए के प्राप्त रूप से पास चुना जाता है, यानी जो एक्स है हम इसको ए की ओर क्या कर रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं, उसके पास की जो प्राप्त संख्याएं हैं उन्हें चुन रहे हैं पर ए को छोड़कर। ठीक, नोट करेंगे किसी फलन के लिए एक्स यदि वे ए के ओर अग्रसर है उसकी सीमा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि फलन को बिंदु एक्स बराबर ए पर परिभाषित किया जाए, जो कि मैंने आपको बताया सीमा की खोज करते समय हम बिंदु ए के पड़ोस में यानी बिल्कुल नेबरहुड पास में करीब में फलन के मूल्यों पर विचार करते हैं जो ए से अलग है। ठीक, आइए अब आगे इस उदाहरण से बेहतर समझते हैं। यहाँ देखेंगे फलन एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग पर विचार कीजिए। अवलोकन कीजिए कि जैसे जैसे हम एक्स को शून्य के अधिक निकट मान देते हैं जो फलन का मान यानी एफ एक्स का मान है वह भी शून्य की ओर अग्रसर होता रहता है। गौर करेंगे एफ एक्स बराबर में एक्स का वर्ग, ये क्या है आपका, ये एक परवलय दर्शा रहा है जिसका चित्र आपके यहाँ सामने भी है। ठीक, गौर करेंगे जैसे जैसे हम एक्स को शून्य की ओर क्या कर रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं, जो फलन का मान है वह भी कैसा जाता जा रहा है, शून्य की ओर जाता जा रहा है। जैसे कि आप इस तालिका में देख सकते हैं हमने फलन का मान एक्स के भिन्न भिन्न मान रखे हैं। यहाँ पे ऋण 0.01 रखने पर फलन का मान कितना आ रहा है, -0.001। यदि हम x का मान -0.09 रखें तो फलन का मान क्या आ रहा है, -0.0081। ठीक, ऐसे ही यदि हम शून्य से हल्का सा क्या लें, बड़ा हुआ मान जैसे 0.01 देखा तो मान कितना आया, 0.001। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम शून्य की ओर एक्स को क्या कर रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं, अगर मैं बाएं पक्ष से इसको अग्रसर लूँ तो मेरा फलन का मान भी शून्य की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही यदि मैं एक्स का मान दाएं पक्ष से शून्य की ओर बढ़ाऊँ तो मेरा जो फलन का मान है वह भी क्या हो रहा है, शून्य की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरीके से हम कहते हैं जो फलन है उसकी जो सीमा है वह शून्य है, जैसे कि हम कह सकते हैं इस प्रकार से हम इसका प्रतीक लिखते हैं जो कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, इसे एफ एक्स की सीमा शून्य है जब एक्स शून्य की ओर अग्रसर होता है। इस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं। गौर करेंगे एफ एक्स की सीमा जब x शून्य की ओर अग्रसर होता है तो ऐसा समझा जाए कि x बराबर शून्य पर जो फलन का मान क्या होना चाहिए वह हम सीमा का मान लेते हैं। ठीक, आइए एक और उदाहरण देखें। इसके अंदर देखेंगे निम्नलिखित फलन पर विचार कीजिए, जो हमारा फलन है एफ एक्स बराबर में x का वर्ग -4 बटे में x -2। गौर करेंगे यहाँ हमारा x 2 नहीं है क्योंकि अगर हम x बराबर 2 लें तो जो फलन है वह परिभाषित नहीं है, यानी 2 पर h फलन परिभाषित नहीं है। ठीक, पर गौर करेंगे हमें 2 पर ही क्या निकालना है, फलन की सीमा। ठीक, अब
इस फलन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एच एक्स बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ, एक्स जमा दो। ठीक, इसकी आकृति यानी आलेख आपके सामने है। ठीक, अब एक्स के दो के अत्यधिक निकट मानों पर विचार करना है और आप देखेंगे इसके अंदर जो एच एक्स है यानी जो फलन का मान है वो कितना निकट जा रहा है कौन सी संख्या के। तो फिर से तालिका में देखते हैं, यानी हमने x का जब हम 2 के निकट लाते हैं तो इस 2 के निकट लाने पर हम कहां से ला सकते हैं, या तो हम बाएं पक्ष से ला सकते हैं यानी बाएं हाथ से, या फिर दाहिने हाथ से हम 2 की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक, यानी 2 से हम थोड़ा छोटी संख्याओं पे देखते हैं कि हमारा फलन का मान कैसा आ रहा है, और अगर हम 2 से थोड़ा बड़ा देखें क्या x का मान, तो उसका फलन का मान fx का जो हमारा h का फलन का मान है वो कैसा जा रहा है वह हमें देखना है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे यदि हम x को 1.7 रखें तो फलन h का मान क्या बन जाता है, 3.7। यदि हम 1.95 रखें तो फलन का मान 3.95। यानी जैसे जैसे हम बाएं की ओर से यानी उल्टे हाथ से अगर हम 2 की तरफ अग्रसर कर रहे हैं किसको, x को, तो जो फलन का मान है किसके पास यानी किसके निकट आता जा रहा है, गौर करेंगे 4 के। ठीक, ऐसे ही यदि हम 2 से हल्का सा बड़ा मान रखें किसका, x का, 2.2 पे 4.2 आ रहा है, 2.05 पे 4.05 आ रहा है, और 2.01 पे 4.01 आ रहा है। यानी अगर मैं सीधे हाथ की तरफ से 2 की तरफ बढ़ूं तो मेरा जो फलन का मान है देखेंगे वे किसके निकट आता जा रहा है, 4 की ओर आता जा रहा है। ठीक, तो ऐसे ही आइए देखें हमें क्या मिला, कि ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि दोनों दृष्टांतों जो कि हमने अभी इलस्ट्रेशंस देखे उसमें फलन का मान जो दिए गए बिंदु x बराबर a पर ग्रहण करना चाहिए वास्तव में इस बात पर निर्भर नहीं करता कि x किस तरफ से आ रहा है, यानी वह बाएं पक्ष से आ रहा है या दाहिने पक्ष से आ रहा है। सो अनिवार्य रूप से 2 तरीके x के किसी संख्या को बाई या फिर दाई ओर से संपर्क कर सकते हैं, अर्थात x के सभी मान किसी a से कम या अधिक हो सकते हैं लेकिन बहुत करीब से। ये स्वाभाविक रूप से हमारी 2 सीमाओं की ओर संकेत कर रहा है, और वे क्या हैं, एक बाएं हाथ की सीमा और दूसरी दाहिने हाथ की सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। और अगर ये 2 सीमाएं मेल खाती हैं यानी संपाती हैं तो सामान्य मान फलन की सीमा के रूप में जाना जाता है। तो आइए देखें सबसे पहले बाएं पक्ष की सीमा, एक बिंदु के बाएं और बिंदुओं द्वारा निर्धारित फलन का अपेक्षित मान उस बिंदु पर फलन के बाएं हाथ की सीमा को परिभाषित करता है जिसे हम इन दिए गए चरणों से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स की सीमा जब हम x को a की ओर अग्रसर कर रहे हैं पर कौन से हाथ से, उल्टे हाथ से यानी बाएं पक्ष की ओर से। तो गौर करेंगे ये जो माइनस का चिन्ह लगाया गया है वे क्या दर्शा रहा है कि हम बाएं पक्ष की सीमा निकाल रहे हैं। अब प्रतिस्थापित करें x को किसके बराबर, a माइनस h, जहां ये h एक हमारी बहुत ही छोटी धनात्मक संख्या दर्शा रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है, x ने बहुत ही क्या लिया, a से छोटा मान लिया, बहुत ही करीब है a के। अब हम क्या करेंगे, बदलेंगे x टेंड्स टू a माइनस को h टेंड्स टू शून्य करना है। जाहिर है कि यदि हम क्या करें x को a माइनस h में कर दें तो हमारा चर क्या बन जाएगा, h। अब हम h को क्या करेंगे, शून्य की ओर अग्रसर करते रहेंगे। जैसे जैसे हम h को शून्य की ओर अग्रसर करेंगे जो हमारा x है वह किसकी ओर अग्रसर होता रहेगा, a की ओर अग्रसर होता रहेगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, f a माइनस h की सीमा निकालनी है जब हम h को शून्य की ओर क्या कर रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं। अब इसका हल निकालेंगे अगला चरण, और जो हल आया यानी जो प्राप्त मान है वही फलन की बाएं पक्ष की सीमा होगी। ठीक, एक उदाहरण ले लें, तो आइए एक उदाहरण ले देखेंगे, fx बराबर में x
ब्रैकेट के अंदर x जमा 1 फलन की बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात कीजिए जब हम x को 5 की ओर अग्रसर कर रहे हैं यानी हो रहा है। यानी LHL निकालना है, सबसे पहले हमें बाएं पक्ष की सीमा निकालनी है। तो हमने लिखा fx लिमिट x 5 की ओर अग्रसर हो रहा है और नेगेटिव साइन क्या दर्शा रहा है, बाएं पक्ष यानी बाएं पक्ष की सीमा। अब इसको हमने क्या लिखा, f 5 माइनस एच हो रहा है हमारा अग्रसर शून्य की ओर। अब हम इसके अंदर क्या कर दें, फलन के अंदर प्रतिस्थापित कर दें। अब देखेंगे जहां जहां x है वहां वहां हम 5 माइनस एच रख देंगे। वह रखने पर हमें क्या मिला, x है तो ये मिल गया 5 माइनस एच। अब 5 माइनस एच जमा में 1। गौर करेंगे हमें फलन का मान कैसे देखना है, कि ये सीमा क्या दर्शा रही है, कि इस फलन का मान कैसा होना चाहिए जब हम h को शून्य की ओर अग्रसर करें। तो आप गौर करेंगे इसका हल कितना आ रहा है, यदि हम h शून्य की ओर अग्रसर करें तो यहाँ शून्य बन जाएगा, ये भी शून्य बन जाएगा, यानी हमारी सीमा बाएं पक्ष की सीमा का मान कितना आ रहा है, 30। ठीक, तो सरल करने पर हम पाएंगे fx फलन की सीमा जब हम x को 5 की ओर अग्रसर कर रहे हैं बाईं ओर से, वह कितना आया, 30। ठीक, तो बाएं पक्ष की सीमा का मान 30। ठीक, आइए अब क्या करें, सीधे हाथ की सीमा वह देखते हैं। एक बिंदु के दाएं हाथ की ओर बिंदुओं द्वारा निर्धारित फलन का मान उस बिंदु पर फलन की दाएं हाथ की सीमा को परिभाषित करता है, जिसके चरण हम इस बॉक्स में देख सकते हैं। वैसे ही जैसे हमने LHL निकाला था, हम लिखेंगे fx की सीमा x को जब हम a की ओर अग्रसर करते हैं। ध्यान रहे यहाँ हमने क्या लिखा है, जमा का चिन्ह। ये जमा का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, कि हम दाएं पक्ष की सीमा निकाल रहे हैं, यानी हम a की ओर अग्रसर कर रहे हैं, कहाँ से, सीधे हाथ से। अब प्रतिस्थापित करें x को किसके बराबर, a जमा h, यानी x का मान क्या हो गया, a से थोड़ा सा बड़ा, बहुत ही करीब। फिर हमें बदलना है x tends to a पॉजिटिव को किससे, h tends to 0। फिर से ये वही दर्शा रहा है कि जैसे जैसे हम h को शून्य की ओर अग्रसर करते हैं, x का मान किसकी ओर अग्रसर होता रहेगा, ये छोटा होता रहेगा, तो यानी वे किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, a की ओर। ठीक, तो यानी हम क्या प्राप्त करेंगे, f a जमा h की सीमा जब हम h को शून्य की ओर बढ़ाएंगे, इसके अंदर हमारा परिवर्तित हो जाएगा। अब हमने इसका हल निकालना है और जो प्राप्त हल होगा यानी जो प्राप्त मान होगा वही फलन की दाएं पक्ष की सीमा दर्शा रहा होगा। ठीक, तो आइए देखें एक उदाहरण, वही उदाहरण लेंगे जो हमने बाएं पक्ष की सीमा के लिए निकाला था। तो fx का क्या है इसके बराबर, x ब्रैकेट में x जमा 1। इस फलन की हमें दाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करनी है जहां x हमारा 5 की ओर अग्रसर है। ठीक, तो वही हम करेंगे, f की सीमा निकालनी है जब x हमारा 5 की ओर अग्रसर है, कहां से, दाईं ओर से। h हमने लिया, यानी ये किस में हमने बदल दिया इसको, f 5 जमा h, इसकी सीमा निकालनी है जब h को हम शून्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। फिर से जहां जहां x है वहां वहां हम 5 जमा h रख देंगे। तो क्या मिला हमें, सरल करने पर ये हमें फलन मिल गया, h का वर्ग जमा 11 h जमा 30। ठीक, इसकी सीमा निकालनी है जब हम h को शून्य की ओर बढ़ा रहे हैं, यानी उसके निकट ला रहे हैं, उसके ओर अग्रसर कर रहे हैं। फिर से वही चीज आप देखेंगे, जैसे जैसे हम इसको लाएंगे वे क्या आ रहा है, ये शून्य बनता जाएगा, ये भी शून्य बनता जाएगा, यानी हमें सीमा का मान कितना मिल रहा है, वह मिल रहा है 30। ठीक, यानी सरल करने पर हम पाते हैं जो दाएं पक्ष की सीमा है जब हम x को 5 की ओर अग्रसर करते हैं तो हमें 30 मान मिल रहा है। ठीक, गौर करेंगे जो हमने अभी बाएं पक्ष की सीमा निकाली थी और दाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों क्या हैं, समपाती हैं। ठीक है, यानी समान है। अब अतः हम कह सकते हैं कि जो फलन की सीमा है उसका अस्तित्व है
और उसका मान कितना है, 30 ही है, यानी जो उभयनिष्ठ मान होगा उसे ही हम मानेंगे। ठीक, आइए अब आगे देखें। सकल रूप में हमें क्या निकालना होगा सीमा ज्ञात करने के लिए, हम सबसे पहले बाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे, दाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे, और यदि दाएं और बाएं पक्ष की सीमाएं समपाती हों तो हम इस उभयनिष्ठ मान को जो x बराबर a पर fx की सीमा कहते हैं, जिसे हम इस प्रकार निरूपित करते हैं, यानी लिमिट fx जब x हमारा a की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक, यदि दाएं और बाएं पक्ष की सीमाएं समपाती नहीं हो तो ये कहा जाता है कि जो x बराबर a पर जो fx है इसकी सीमा क्या है, अस्तित्वहीन है, यानी उसका अस्तित्व नहीं है, does not exist। ठीक है, आइए अब कुछ उदाहरण देखें। उदाहरण देखेंगे, मूल्यांकन करें, हमें सीमा ज्ञात करनी है फलन fx का जब हम x को शून्य की ओर अग्रसर करते हैं। ठीक है, तो fx हमारा क्या है, क्या फलन दिया हुआ है, जब x हमारा शून्य से बड़ा होगा तो फलन का मान 1 रहेगा, जब x शून्य से छोटा रहेगा तो फलन का मान -1 रहेगा, और जब x शून्य के बराबर है तो फलन का मान भी शून्य रहेगा। ठीक, इसका आलेख आपके सामने है, गौर करेंगे, ये हमारा आलेख यानी फलन क्या दर्शा रहा है, सिग्नम फंक्शन दर्शा रहा है, सिग्नम फलन। ठीक, अब देखेंगे, सबसे पहले RHL निकाल रहे हैं, दाएं पक्ष की सीमा, लिमिट fx x जब हम कहां ले रहे हैं, शून्य के बराबर, और ये प्लस यानी दाएं पक्ष से। ठीक, जब x क्या रहेगा, यहाँ सदैव शून्य से बड़ा, यानी x हमेशा शून्य से जब बड़ा है तो हमारा क्या हो रहा है, कैसा मान ले रहा है, 1 ले रहा है, यानी सदैव fx का मान क्या रहेगा, 1, तो यानी RHL क्या आएगा, 1, दाएं पक्ष की सीमा हुई 1। इसी प्रकार आप बाएं पक्ष की सीमा निकाल सकते हैं, और वह कितनी होगी, -1। ठीक, गौर करेंगे, LHL और RHL ये क्या है, बराबर नहीं है, संपाती नहीं है, तो यानी इस फलन की, यानी फलन fx की जो सीमा है वह अस्तित्वहीन है। ठीक, परंतु जबकि शून्य पर जो फलन का मान है वह परिभाषित है। ठीक, अब अगला उदाहरण देखेंगे, इन उदाहरण से हम एक निष्कर्ष भी निकालेंगे, वह आगे देखेंगे। उदाहरण पे गौर करेंगे, फलन fx बराबर में fx 5x यानी 5x है, इसका हमें बाएं और दाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करनी है, जब हम x को 2 की ओर अग्रसर करते हैं, साथ ही हमें सीमा का भी अस्तित्व ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले देखें, हमारे पास क्या है fx, इसकी सीमा निकालनी है जब हम x को क्या करें, 2 की ओर अग्रसर, fx बराबर में 5x है, सबसे पहले LHL निकाल लेते हैं, यानी बाएं पक्ष की सीमा निकालना आप जानते ही हैं, चरण मैंने आपको बताए थे, यह आ गया fx यानी लिमिट fx x tends to 2 माइनस, ये किसके बराबर आया, लिमिट f 2 माइनस h जब h किसकी तरफ बढ़ रहा है, शून्य की ओर, x की तरफ क्या मान भरा हमने, 2 माइनस h। ठीक, हमारी बाएं पक्ष की सीमा कितनी आई, देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा ये h शून्य की ओर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे h छोटा होता जाएगा इसका मान कितना हो जाएगा, 10। ठीक, तो ऐसे ही LHL निकालेंगे, और LHL पे आप पाएंगे ये बना फलन 5 कोष्टक में 2 जमा h, h जैसे हम शून्य करते रहेंगे हमारा जो मान आएगा वह भी 10 आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं LHL और RHL वे क्या हैं, संपाती हैं, बराबर हैं, और कितने हैं, 10, यानी इसका जो सीमा का अस्तित्व वो है, और सीमा का मान कितना, 10 आ रहा है। ठीक, और गौर करेंगे, जो हमारा क्या है, 2 पर जो फलन का मान है वह भी परिभाषित है। ठीक, अब आगे इस तीसरे उदाहरण पे गौर करें, हमें इस फलन fx का सीमा निकालनी है जब हम x को ऋण 1 की ओर क्या कर रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं, जहां fx हमारा क्या दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है, कैसा, कि जब हमारा x ऋण 1 नहीं होगा तो फलन का मान रहेगा x जमा 5, और जब वह ऋण 1 रहेगा यानी मान लेगा तो फलन का मान शून्य रहेगा। तो हमें सीमा का मूल्यांकन करना है, हम ज्ञात करना है सीमा का मूल्यांकन करना है, तो वही चीज़ दाएं पक्ष की सीमा और
बाएं पक्ष की सीमा। तो सबसे पहले LHL देख लेते हैं। सरल करने पर आप क्या पाएंगे, चरण के अनुसार हमारा फलन इस प्रकार सरल हो जाएगा, यानी वे क्या मिला कोष्टक में, -1 -h जमा में 5। इसकी सीमा निकालनी है जब h को हम शून्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। h के अंदर यानी शून्य करके देखें, यानी क्या कर रहे हैं हम, इसको छोटा करते रह रहे हैं, तो हमारा मान 4 आ रहा है। इसी प्रकार RHL का भी मान 4 आ रहा है। तो क्या मिला हमें, LHL RHL वे क्या है, बराबर है, और क्या है, मान 4 आ रहा है। फलन का मान किसके ऊपर, ऋण 1 के ऊपर, वे क्या है, वे भी परिभाषित है, पर इसका मान कितना है, 0। यानी सीमा का मान और फलन का मान दोनों परिभाषित हैं, दोनों अस्तित्व में हैं, पर दोनों अलग अलग हैं। ठीक, तो आइए अब निष्कर्ष देख लें। तो देखते हैं हमने क्या देखा। सबसे पहले फलन का मान किसी बिंदु पर और उसी बिंदु पर सीमा के बीच हम निम्न कथन कह सकते हैं, वे क्या है। सबसे पहला बिंदु जो सीमा है, यानी फलन का सीमा, यदि हम x को एक ही ओर अग्रसर करें तो वह अस्तित्व में हो सकती है, परंतु जो फलन का मान है वह अस्तित्वहीन हो सकता है। ठीक, दूसरा बिंदु, फलन का मान a पर, उसका मान परिभाषित है पर सीमा परिभाषित नहीं है, वह अस्तित्वहीन है। और तीसरा बिंदु क्या कह रहा है कि सीमा और फलन का मान किस पर, x बराबर a पर, दोनों अस्तित्व में हैं, पर क्या हो सकता है, वह संपाती हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं हम कहां, सीमाओं का बीजगणित पर। तो वह क्या बता रहा है हमें देखेंगे। मान लीजिए f और g दो फलन ऐसे हैं जिसके ऊपर आपका fx की सीमा और gx की सीमा, जब हम x को एक ही ओर अग्रसर करते हैं, दोनों का अस्तित्व है। तो पहला बिंदु हमारा क्या दर्शा रहा है, दोनों फलनों के योग की सीमा, fx और gx का योग किया, उसकी सीमा निकाल रहे हैं, वह फलनों की सीमा का योग होता है। फलनों की सीमा यानी हमने fx की सीमा निकाली, gx की सीमा निकाली और उसका योग किया। ठीक, दूसरा बिंदु देखेंगे, दो फलनों के अंतर की सीमा, दो फलनों के अंतर निकाला, उसकी सीमा निकाली। ठीक, फलनों की सीमाओं का अंतर होता है, फलनन की जो सीमा निकाली पहले फिर उनका अंतर निकाला, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, तीसरा बिंदु, दो फलनों के गुणन की सीमा, दो फलन हमने गुणा किए और फिर उसकी सीमा निकाली, फलनों की सीमाओं का गुणन होता है, यानी हमने पहले सीमाएं निकाली फलन की, f फलन की और g फलन की, और फिर उन सीमाओं को गुणा कर दिया। ठीक, आखिरी भागफल, दो फलनों के भागफल की सीमा, फलनों की सीमाओं का भागफल होता है, ध्यान रहे जबकि हर शून्येतर होता है। क्या हो, हर यानी डिनोमिनेटर, वह क्या होना चाहिए, शून्येतर होना चाहिए। ठीक, इसके ऊपर प्रश्न ले लें, तो लेते हैं उदाहरण। सबसे पहले फलन fx बराबर में कोष्टक में दिया हुआ है x का वर्ग जमा में 1, इसकी सीमा ज्ञात करनी है जब हम x को 1 की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे, हमें सीमा को ज्ञात करना है, फलन हमारा है fx बराबर में x का वर्ग जमा में 1। गौर करेंगे ये जो फलन है ये हमारा दो फलनों के योग से बना है, और वे कौन से दो फलन है, x का वर्ग और 1। ठीक, तो यानी इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम इसकी सीमा इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि हम पहले x वर्ग का जो फलन है उसकी सीमा निकालें, जो अचर फलन है हमारा 1 उसकी सीमा निकालें, किस पर, जब हम x को 1 की ओर अग्रसर कर रहे हैं, और उन दोनों की सीमाओं का योग जो होगा वह हमारा क्या होगा, इस f फलन का सीमा का मान होगा। ठीक, तो निकालने पर जानते हैं भाई, हमने देखा x वर्ग, अगर हम x को किसकी ओर ले, 1 की ओर अग्रसर करें तो 1 मान आएगा, अचर फलन है तो सदैव ही हमारा क्या रहेगा मान, 1, तो यानी 1 जमा 1 2 आ गया। ठीक, तो ये क्या दर्शा रहा है, इस फलन fx की सीमा। आइए अब दूसरा प्रश्न देखें।
फलन हमने लिया एफ एक्स बराबर में x की घात 3 माइनस में x की घात 2। इसकी सीमा ज्ञात करनी है जब हम x को पाई की ओर अग्रसर कर रहे हैं। स्वाभाविक है, देखते ही आप पहचान पाएंगे ये हमारा क्या है, दूसरा बिंदु दर्शा रहा है। किसके अंदर? बीजगणित में। ये हमारे दो फलनों का अंतर दर्शा रहा है, क्या? एच फलन। ठीक, हम देख सकते हैं कि दिया गया जो फलन है वह दो फलनों का अंतर है, और वो कौन से? x की घात 3 और x की घात 2। तो यानी पहले हम x की घात 3 की सीमा निकाल लें और x की घात 2 की सीमा निकाल लें और उन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। वही हमने किया, x की घात 3 की सीमा निकाली जब हम x को पाई की ओर अग्रसर कर रहे हैं, और यहाँ हमने निकाली x की घात 2 इसकी सीमा जब हम x को पाई की ओर अग्रसर कर रहे हैं। मान आपके सामने है, ये आया पाई का वर्ग कोष्टक में पाई माइनस 1। ठीक, इसी प्रकार आइए दो और उदाहरण लें जिसके अंदर हमारा गुणन आएगा और भागफल। फलन एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? ये हमारा दो फलनों का भागफल जिसमें हमारा अंश क्या है, x का वर्ग जमा 1 बटे में x, यानी हर हमारा x। अब गौर करेंगे जहां हमारा x क्या है, शून्येतर है। परिभाषित करने के लिए फलन, इसकी हमें सीमा ज्ञात करनी है जब x 2 की ओर अग्रसर है। तो हमें, आइए हल देख लेते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, फलन fx की सीमा ज्ञात करनी है जब हम x को 2 की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जहां हमारा fx इस प्रकार, यानी ये फलन हमें दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया ये fx फलन हमारा क्या है, दो फलनों का भागफल, और वे कौन से दो फलन, x का वर्ग जमा 1 और x। ठीक, तो यानी इसका क्या निकालना है, हमें सीमा निकालनी है। तो सीमा हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि पहले हम फलन जो कि अंश में है उसकी सीमा निकाल लें, फिर जो हर में फलन है उसकी सीमा निकाल लें, और उन दोनों का भागफल निकाल लें। तो देखेंगे x का वर्ग जमा 1 की सीमा जब हम x को 2 की ओर अग्रसर कर रहे हैं तो इसका मान हमारा 5 आ रहा है। x का जब हम x को 2 की ओर अग्रसर कर रहे हैं तो फलन का मान क्या, 2 आ रहा है। दोनों का भागफल करने पे हमें fx फलन की सीमा मिल रही है, और वे क्या है, 5/2। ठीक, तो इस प्रकार आज के हमने इस सत्र में क्या क्या देखा, हमने सीमाओं का ज्ञात करना सीखा, हमने बाएं पक्ष की सीमा देखी, दाएं पक्ष की सीमा देखी, हमने सीमाओं का बीजगणित भी देखा। तो आशा करते हैं बच्चों आज के इस सत्र में आपको आनंद आया होगा, समझ आया होगा। धन्यवाद।